हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों के में मतदाता प्रतिशतता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के 10 जिलों में साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से पेडल फॉर डेमोक्रेसी साइकिल रैली का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर मनीष गर्ग ने कहा कि 1 जून को होने वाले चुनाव में हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना चुनाव आयोग का लक्ष्य है, जिसके लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं और मतदाताओं को चुनाव के समय में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40% से अधिक की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए होम वोटिंग प्रक्रिया 75% पूरी हो चुकी है। पर में इस तरह के साइकिल को माना कि आपने इतना महत्वपूर्ण है वोट परसेंट बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि आज हम लोग 10 जिलों में ये साइकिल रैलीज का आयोजन कर पा रहे हैं और बड़ी संख्या में ऑलमोस्ट 500 से 600 जो है वो साइकिलिस्ट इन रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी जिलों में आज ही के दिन एक ही समय लगभग ये हो रही हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक मैसेज देने का प्रयास है जो वोटर्स को कि यंग वोटर्स को स्पेशली आजकल साइकिलिंग का बड़ा क्रेज़ रहता है सभी में और मॉर्निंग में भी हम देखते हैं बहुत संख्या में साइकिलिस्ट जो हैं वो चले होते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से हम लोगों तक जुड़ें और अपना इलेक्शन का मैसेज पहुंचाएं कि 1 जून को आके उन्होंने वोट करना है, स्पेशली जो यंग वोटर्स हैं उनके लिए एक बड़ा इंस्पायरिंग होगा ये। होपफुली सर, अगर हम बात करें इस महापर्व में जिससे कहती है इसको कोई दृष्टि तो नहीं डाल सकते, जिनको शक के आधार पर पकड़ा गया है क्या इससे भी कोई प्रावधान है वो वोट डाल सकते या नहीं, किस तरह है? देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए। हाँ, वो सभी पार्टिसिपेट करें ये पूरा प्रयास रहता है और आपने देखा अभी होम वोटिंग का प्रावधान भी किया गया है जिसमें कि 85 प्लस और PWD वोटर्स के घर पर जाकर जिन्होंने ऑप्ट किया है, सभी ऑप्ट नहीं करते हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे ही आके वोट दें। तो जहाँ तक देखें अगर ओल्ड एज 85 प्लस में लगभग 50% ने ऑप्ट किया है होम वोटिंग के लिए और PWDs में तो लगभग सिर्फ 25% ने होम वोटिंग के लिए ऑप्ट किया है, तो और हमारी करीब 75% होम वोटिंग कंप्लीट भी हो गई है। तो पूरा प्रयास रहता है कि सभी वर्गों को इसमें जोड़ा जाए। अभी तक पिछले कल तक लगभग 34,000 85 प्लस वोटर्स ने वोट कास्ट कर लिया था और जिसमें और जो हमारे बाई इलेक्शंस हैं उसमें करीब 2600 ने कल तक वोट कास्ट कर लिया था। ये पहल काफ़ी अच्छी रही 80 प्लस। हाँ बिल्कुल बेहतरीन है ये, 85 प्लस के लिए बहुत अच्छा कदम है चुनाव आयोग का कि 85 प्लस और PWD वोटर्स को जो ये फैसिलिटी दी गई है जिससे कि कोई भी लेफ्ट आउट ना हो। कई बार लोग आना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी तरह से असमर्थ होते हैं आने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ऐसा कोई इसका अलग से नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा है बल्कि दूर दराज क्षेत्रों में तो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं पोलिंग स्टेशन पर आने का, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि वो पोलिंग स्टेशन पे जाएं और वोट करें, तो ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकते, पूरे राज्य में ही ये स्प्रेड अक्रॉस हैं।